ग्वालियर जिले के काटीगांव थाना क्षेत्र के भरपुरा इलाके में स्थित एक मंदिर पर रहने वाले महंत करीब दास की हत्या का 5 महीने बाद राज खुला है। पुलिस ने इस मामले में हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से लूटी गई 10,000 में से 2,000 रुपये की नकदी, मोबाइल और कुछ अन्य सामान बरामद किया है। पता चला कि बाबा गरीब दास का छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बसोटा तराई के पास में था। यह मलिया का रहने वाला देवेंद्र रावत अक्सर आया जाया करता था और बाबा के संग गांजे की चिलम लगाता था। 27 मई को भी देवेंद्र रावत बाबा के पास आया था और दोनों ने देर रात तक चिलम पी। इसके बाद बाबा के पास कुछ नकदी देवेंद्र को दिखाई दी। इसके बाद देवेंद्र की नीयत बदल गई, उसने बाबा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और 10,000 रुपये की नकदी मोबाइल लेकर फरार हो गया। खास बात है कि उसने 5 महीने से लूटा गया मोबाइल बंद रखा और इसे किसी अन्य युवक को दे दिया था। जैसे ही इस युवक ने मोबाइल में सिम एक्टिवेट की, उसके बाद ही बाबा के मोबाइल की लोकेशन की पुलिस को सर्विलांस टीम को मिल गई। उन्होंने हिमालय किराए के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 2,000 रुपये की नकदी और मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पांच माह पूर्व थाना घाटी गांव के भवरपुरा गांव में एक बाबा गरीबदास की हत्या की गई थी। उसमें अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अज्ञात आरोपियों की पतारस्सी के लिए घाटी गांव SDOP के मार्गदर्शन में टीम बनाई गई थी। थाना प्रभारी द्वारा लगातार विवेचना कर मृतक जो बाबा गरीबदास थे, उनका मोबाइल भी और कुछ नकदी रुपये वहाँ से चोरी करके ले गए थे। तो मोबाइल को लगातार ट्रेसिंग कर रहे थे और ट्रेसिंग करने पर जब मोबाइल चालू हुआ तो एक व्यक्ति को पकड़ा। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि देवेंद्र नामक व्यक्ति ने उसे मोबाइल दिया था। तो जो देवेंद्र जो है नशा का आदि था, वो बाबा के पास जाके कभी कभी चिलम पीता था। तो चिलम पीने के दौरान बाबा की जहाँ चोरी कर रहा था तो बाबा ने मना करा। इस बात पर उसने बाबा को मुँह में टॉर्च घुसा कर हत्या कर दी थी और उनके नकदी व मोबाइल और अन्य सामान चोरी करके ले गया था। तो चोरी गया सामान और मोबाइल बरामद हो गया देवेंद्र से और इस प्रकार हत्या अंधे कत्ल का खुलासा हुआ।